YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार आठवें दिन भी जारी है। पिछले आठ दिनों से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का सर्वे भी कर्मचारी संघ का समर्थन उन्हें मिल गया है। देखिए ये रिपोर्ट। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और अब उस हड़ताल को सर्व कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिल गया है। दरअसल सर्व कर्मचारी संघ ने नगर पालिका संघ को समर्थन देते हुए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर प्रदर्शन किया है और उपायुक्त के माध्यम से सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि सरकार नगर पालिका कर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। हड़ताल के इतने दिन बाद भी सरकार ने उनकी सुध तक नहीं ली। आज पूरे प्रदेश में उपायुक्तों के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम से, ये क्योंकि और मांग कर रहे हैं। ये जो मुख्यमंत्री महोदय ने अभी अपने जो चुनाव घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का था उसमें जो वायदे किए थे उसको लागू करें और जो विक्टिमाइजेशन है सरकार के साथ समझौता है उसको लागू करे, अन्यथा मतलब ये जो नीतियाँ हैं उसको वापिस ले और ये जो हड़ताल की जो आगे जो सरकार ने जो विक्टिमाइजेशन की जो कार्रवाई की जो परिपत्र जारी किए हैं उसको वापिस ले। सफाई कर्मी चाहते हैं कि उन्हें पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए, स्थायी भर्ती शुरू की जाए, मिनिस्ट्रियल स्टाफ को पंजाब के समान वेतन मान दिया जाए, दमकल विभाग के निकाले गए 1400 कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर रखा जाए और 100-100 गज के प्लॉट दिए जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उनकी हड़ताल जारी रहेगी, वो किसी भी कीमत पर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, क्योंकि सरकार कल ही सफाई कर्मचारियों पर एस्मा लगाने की बात कह चुकी है। ऐसे में उम्मीद कम है कि सरकार सफाई कर्मचारियों के सामने झुकेगी। खबर अभी तक के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।